मानसिक तौर पे ये अपना आत्मा परमात्मा से लीन हो करके विषादा भी और चितरंजन भी ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं समाज के प्रति। ये सर्विस मैन एक्स मैन आर्मी एक्स मैन होने के नाते ये अपने निछावर भाव से काम कर रहे हैं समाज में, धर्म कर्म से लेकर के समाज का जो दौरा होता है ये हर टोला मोहल्ला हुआ, सरना का अखड़ा हुआ और सरना स्थल हुआ, सभी कोना में छाए हुए हैं। ये YouTube के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायक है, इसके लिए हम ताली बजाएंगे। और हम सीता बहन से भी चाहेंगे कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं जो कि समाज के और मतलब हमारे अंदर कमी बताएंगे तब हम सुधार करेंगे। तो आप बताइए हमारे अंदर क्या कमी है, कमी बताइए। हम चाहेंगे आपसे भी चाहेंगे कि मेरा अंदर क्या देखा, अच्छाई तो बता दीजिए ठीक है ना, लेकिन मेरे अंदर भी क्या कमियां है उसको भी बताना है आप लोग को ठीक है ना। तो आपको बताइए क्या कमी है। हम जानेंगे ना तरीका से सजाने की कोशिश करेंगे। जय राम बोल लीजिए ना, बोल लीजिए जैसे राधा के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनके द्वारा YouTube से जो हम लोग को सीखने के लिए मिल रहा है। बहुत जगह YouTube के माध्यम से दादा के बारे में हम लोग को पता चलता है कि वो दादा जो गांव के YouTube चलता है, तो ऐसा सुन के भी अच्छा लगता है। तो दादा से कहना चाहेंगे कि अपना फैमिली को भी कभी कभी हम लोग को बीच में लाए है ना, और हम लोग को जितने महिला प्रकोष्ठ है हर जगह शामिल होते हैं, हर जगह जाते हैं। तो दादा से बोलना चाहिए का बात होते मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूँ, चाहे अपना घर हो या अपना परिवार हो या किसी को भी। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा घर वाले को भी, मेरा बच्चे को भी, मेरा पत्नी को भी मेरा बात अच्छा लगता है, आओ मेरे साथ, और नहीं तो तुम भी स्वतंत्र रहो। मैं आपको ये बता रहा हूँ साथ में देखिए आप लोग उनको प्रेस कीजिए ठीक है ना, आप लोग उनको प्रेस कीजिए। दादा काम कर रहा है तो दादा तो बोलेगा नहीं आओ जाओ, समाज के लोगों को भी नहीं बोलेंगे। जो उसको अच्छा लगता है सरना धाम के प्रति भाई आओ, और नहीं तो रास्ता सुधार मेरा दिमाग को खोपड़ी खराब करना, हम किसी को सुधार करने के लिए जा रहे हैं, जिसको अच्छा लगता है वो आओ, ये मेरा सोच है। और जैसे हम लोग महिला तो काफी निकलते हैं, तो हम लोग दादा लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे घर का आदमी हो, भाई हो, बंधु हो, सबसे यही करते हैं कि वो लोग भी हम लोग के साथ साथ आगे बढ़े, हम लोग के साथ साथ चले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और घर का आदमी भी हम लोग के साथ निकले तो भी अच्छा लगेगा। इसी करके जय धर्म। और एक संदेश है मेरी तरफ से, नामकोम गढ़खंड का सतमा बगान, वहाँ पे 4 तारीख को प्रार्थना सभा है, यानी कि वहाँ को धर्म माँ को 15 दिन का उपवास मिला है। जो 4 तारीख उनका उपवास टूट रहा है, तो वो नेता मेरे तक आ रही थी आज पहुँचाने के लिए, लेकिन लेट हो गया और इधर भी आना था, तो उनका नेता को हम बोले हम शाम में ले लेंगे, तो आप लोग तक हम ये बात पहुँचा रहे हैं, टाइम में है तो 4 तारीख को आप लोग भी आइए ठीक है ना। जय धर्म। बहुत सारे शिकायत होगा लेकिन हमारा भी माइंड सेट होना चाहिए कि बहुत सारा आलोचना होते हुए भी हम धीरज रह सके ठीक है ना। क्या सर, बहुत सारा आलोचना आएंगे, बहुत सारा शिकायत आएंगे, बहुत सारा आलोचना आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, प्रलोभन आएंगे, तो अभी मैं वहाँ पर शाम भावना से रह सकते हैं। हाँ, सुभान ने बताना चाहिए। जैसे कि दादा अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। चलो कोई है कम से कम अपना, अभी इसका उम्र क्या है, अभी पेंशन पैसा सभी आ रहा था, जिंदगी बिता सकते थे समाज के लिए, तो बहुत बड़ी बात हो रही है। इसलिए सबको जय धर्म की याद बता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप लोग दवाएं देते रहे और हमको डांटना भी है ठीक है ना, आप लोग नहीं हमको कमी नहीं बताए हम नहीं सुधार कर पाएंगे। और मेरा क्या सोच है उसको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे जो अभी स्टूडेंट्स है लोग पहली बार मेरे से मिले हुए हैं,
तो शायद यूट्यूब से जानते भी होंगे आप लोग, शायद आप पहली बार मिले होंगे, है ना। तो मैं प्राकृतिक का जो स्वभाव है, सुनो मैं इधर आप लोग बता रहा हूँ, प्राकृतिक का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक का स्वभाव मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग को चाराना है, इसको आपने रिस्पेक्ट किया अच्छी बात है, नहीं रिस्पेक्ट किया अच्छी बात है, मतलब कहने का मतलब अच्छाई और बुराई दोनों समय ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या है, बुराई बुराई करके हम किसी की शिकायत निंदा नहीं करते, चाहे मेरा बात को माने या ना माने, चाहे वो किसी तरह से बुराई में लगा हमको कोई उससे इतराज नहीं, उसका परिणाम देने वाला कौन है, कौन है, भगवान है धर्म से, ठीक है। हम उसका शिकायत निंदा करके अपना पोखरी को खराब हमको नहीं करना, किसी तरह से आप लोग का भी माइंड को रखना है, ठीक है ना। उसका बाद में अच्छा अच्छा बोल के घमंड नहीं होना चाहिए, अच्छा अच्छा बोल के घमंड नहीं होना चाहिए। हम अच्छा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम अच्छा है, बाकी नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि हम प्राकृतिक की पूजा, हम अच्छा है, बाकी मूर्ति पूजा गलत है ना। ये सब हम लोग को फंसना नहीं है, हम लोग को केवल अच्छा है और बुराई, मतलब क्या है, ये बुराई है, ये अच्छा है, इससे भी हमारा ऊपर उठ के हमको काम करना है। मतलब यहाँ खाली करके चलना है, यहाँ टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसी को बोलते हैं लोड मत लो, ऐसे काम करना है दिमाग में बिना लोड का। हमारे बच्चे मेरी बात सुने अच्छी बात है, नहीं सुने अच्छी बात है, मेरा पत्नी मेरे साथ चले अच्छी बात है, नहीं तो नहीं चले अच्छी बात है। हम तो भाई बोल रहे हैं कि अगर नहीं आना चाहे तो मेरे तरफ से स्वतंत्र है, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जन्म से पहले वो क्या थी, कौन से जन्म में थी, कहाँ थी, क्या यहाँ हमको एक टिप्पा सिंदरी चढ़ा दिए तो उसको बांध दिए, ठीक है ना। क्या किए हम लोग, हम लोग समाज कहते हैं उसको बांध दिए, तो मेरे तरफ से सब स्वतंत्र है, ठीक है ना। आप लोग भी स्वतंत्र, सारे स्वतंत्र, ठीक है ना। तो खुश मिजाज खुश दिल से हम लोग को काम करना चाहिए, सही ना। आप चाहेंगे बिरसा जी और बिरसा जी से चाहेंगे कि मेरा कमियां बताइए, तो सबसे ज्यादा मेरे साथ में रहता है बिरसा जी, कमी को बताओ। तो हमारे आज का नायक का हमारे समाज से चित्रंजन राव यूट्यूब के माध्यम से हमें समाज में जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं दिन रात, तो मैं इनका जो साथ में घूमता हूँ फिरता हूँ, कमियाँ तो थोड़ा बड़ा हर पीछे रहता है इनका। सबसे बड़ा है कि अभी जो हमारे बहने बोल रही थी कि दादा आपका धर्मपत्नी या बच्चे को भी कभी कभी धर्म के सामने लाना चाहिए, सम्मेलन लाना चाहिए, ताकि आप तो समाज के हित के लिए अच्छाई तो दिखाई दे रहे शीशा जैसा, लेकिन अगर आपका परिवार नहीं दिखेगा तो लोगों को लगेगा भाई अपने तो अच्छा नहा धोहा का आया, लेकिन इस चीज का तो हो गया। और कमी और कमी ये है कि अब जितना चलो कमी नहीं निकाल पा रहे, आप लोग सोचिएगा बताइएगा, ठीक है ना। चलिए सबके लिए बताने, किसी को भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूछेंगे कि जैसे आपका परिवार है ये सरना समाज से खुश है या ना खुश है, सारे खुश है, सारे खुश है, तो आएंगे तो हम लोग से मिलेंगे तो बड़ा सा परिवार हो जाएंगे ना। नहीं मिलेंगे, कहें मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे प्रोग्राम में नहीं, जैसे कहीं सम्मेलन होगा तो वहाँ पर आएंगे, दोनों आदमी हम लोग दरवाजा बंद करके आ जाएंगे तो फिर वहाँ भी देखना होगा, शक्ति कोटा में जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ऐसी बात।